नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्मियों की छुट्टी कैंसिल, जो है कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कौन से कर्मचारी हैं जिनकी छुट्टियां कैंसिल हुई हैं, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। हिमाचल में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, जहां क्या है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस और किस तरह से इस ऑपरेशन लोटस के लिए काम किया जाएगा, पूरी जानकारी आपके साथ ही साझा करेंगे। सीएम का कांग्रेस पर तंज, जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसा है, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो यही आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और एनएसवी न्यूज को स्टार भेजें, ताकि हमें आपका सहयोग मिले और हम इसी उत्साह के साथ हर दिन आपको हर खबर से रूबरू करवाते रहें। तो यही आज की कुछ खास खबरें। इससे पहले कि आपके साथ सारी खबरें विस्तार से साझा करूं, आप सभी हमारे टिम्बर ट्रेल रिजॉर्ट में 107 दिन से खड़ी ट्रॉली शुक्रवार शाम 4 बजे दोबारा से शुरू कर दी गई। पर्यटन विभाग ने ट्रॉली शुरू करने के लिए अनुमति दे दी है। पहले दिन शाम को कई पर्यटकों ने इसमें आवाजाही की। बताया जा रहा है कि तकनीकी कमेटी ने रिजॉर्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव दी है, इसके बाद दोबारा ट्रॉली शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को 245 नए डॉक्टर मिले हैं। प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की सूची और तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। इन सभी मेडिकल ऑफिसरों का एक साल का अनुबंध रहेगा। इन्हें प्रतिमा 40,392 रुपए प्रतिमा वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टरों के अन्य इंसेंटिव अलग से रहेंगे। हिमाचल के सोलन की पर्वतारोही बेटी बलजीत कौर ने अपनी सफलता में एक और नगमा जोड़ा है। उन्होंने बिना ऑक्सीजन के दुनिया की सबसे ऊंची नेपाल में माउंट मानसलू 8,163 मीटर की चोटी पर अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। 26 वर्षीय बलजीत ने अपना भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बीते 30 सितंबर को ये सफलता हासिल कर ली, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने अब साझा की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि राष्ट्रध्वज तिरंगा भारत की एकता है, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। सभी नागरिकों को राष्ट्रध्वज का मान और सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को धर्मशाला में 1025 मीटर लंबे राष्ट्रध्वज को जिला प्रशासन को सौंपा गया। परमार ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान देश भर में चलाया गया था, जिसमें सभी देशवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस का भविष्य समाप्त हो गया है और इसमें कुछ नहीं बचा है। एक तरफ कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ो अभियान पर हैं। हिमाचल में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए। हिमाचल की मंडी के पड्डल मैदान में मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के उम्मीदवारों की आयोजित की जा रही अग्निवीर भर्ती रैली के अंतिम दिन शुक्रवार को लगभग 2000 युवाओं ने भाग लिया। ये जानकारी सेना भर्ती कार्यालय में मंडी के भर्ती निदेशक अविनाश नाथ ने दी। उन्होंने बताया कि सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षा उनकी 8 अक्टूबर को पड्डल मैदान में होगी। हिमाचल के नारगढ़ में दीपावली त्यौहार के दौरान आगजनी की घटनाओं को देखते हुए फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की छुट्टियां विभाग ने रद्द कर दी हैं। त्योहारी सीजन के दौरान कर्मचारियों को जनसाधारण की सेवा में तत्पर रहना होगा। आगजनी की घटनाओं की आशंका के मद्देनजर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को अगस्त 2022 में संचालित की गई जमा 2 कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड की सचिव डॉक्टर मंजू चौधरी ने बताया कि 3,344 अभ्यर्थियों ने अनुपूरक परीक्षा दी थी। इनमें 1,490 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 1,628 अभ्यर्थियों को कंपार्टमेंट घोषित किया गया है। इसके अलावा एक अभ्यर्थी को फेल करार दिया गया है, जबकि अनुपूरक परीक्षा का परिणाम 45.18% रहा है। हिमाचल में एक सप्ताह के भीतर विधानसभा चुनाव 2022 का ऐलान हो जाएगा। विपक्षी पार्टियां इसके लिए अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी हैं या तैयारी में हैं। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्षी दलों में तोड़फोड़ करने में लगी हुई है। ऑपरेशन लोटस की सफलता के लिए कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। हिमाचल सरकार ने शिमला शहर में 24 घंटे पानी देने के लिए 492 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव बाड़ी धीमान की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित
शिमला जल प्रबंधन कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। विश्व बैंक पहले ही इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे चुका है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज सुपर भारत के साथ। न्यूज सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।